गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने पार्ट चार लेखनी का प्रश्न नंबर एक किया था। आज अपन करेंगे प्रश्न नंबर दो, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। अब आपको यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको आपको अपने ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उसमें लिखने हैं, उसमें भरने हैं। देखिए, कागज, रंग बिरंगी, नाव, उपयोगी। तो क्या है, मम्मी ने मुझे बनानी सिखाई। अब इसमें क्या आएगा, नाव। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाव की, नाव में कोई नहीं बैठ सकता। कौन सी नाव में नहीं बैठ सकता, कागज की में। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, कागज। फिर अगर मनोरंजन में भी कुछ ना कुछ होता है, क्या होता है, उपयोगी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, उपयोगी। फिर गह है, विशु ने नाव बनाई, तो यहाँ क्या आएगा, रंग बिरंगी। तो पहले के इस क्रम में क्या लिखा, पहले में आपने नाव, दूसरे में लिखेंगे कागज, तीसरे में लिखेंगे उपयोगी और चौथे में लिखेंगे रंग बिरंगी। अब देखिए, इसी के नीचे आपके भाषा ज्ञान का प्रश्न है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसमें बता रखा है कि मैं स्त्रीलिंग हूँ तो पुल्लिंग कौन आपको लिखना है। तो अब देखिए, शेरनी, तो शेरनी का पुल्लिंग होता है शेर, क्या लिखेंगे आप, शेर। फिर एक है धोबिन, धोबिन का पुल्लिंग धोबी। फिर एक है मोरनी, मोरनी का पुल्लिंग मोर। फिर एक है चाची, चाची का पुल्लिंग चाचा। तो इसमें आपको क्या बताना था, पुल्लिंग शब्द। तो शेरनी का शेर, धोबिन का धोबी, मोरनी का मोर, चाची का चाचा। तो आज आपको गुड हैंड राइटिंग में ये प्रश्न नंबर दो लेखनी का और भाषा ज्ञान का प्रश्न नंबर दो, ये दोनों ही प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।